नमस्कार सत्श्रीकाल सलामवालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेटल गियर फैंटम पेन के इस पार्ट में, जहां पे लास्ट टाइम हम लोगों ने मिशन किया था, जिसमें हम लोगों ने वाई काउंट से थोड़ी बातें उगलवाई थी मारपीट करके। और क्या बोलते हैं, अगला मिशन हम लोगों के लिए रेडी है, जो कि मेरे ख्याल से मिशन नंबर 15 होना चाहिए। और अभी हम लोग को इसका फ़ोन आया था ऑसेलॉट का कि भाई भाई इधर आ जाओ जेल में, क्योंकि क्वाइट का सीन देखना है। कुछ सीन मतलब सही में सीन है उसके, एडल्ट पिडल्ट वाले सीन। तो अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो बिल्कुल भी अपने घर वालों के सामने मत देखना, क्योंकि थोड़ा एडल्ट सीन होने वाला है। एडल्ट पिडल्ट कपड़े तो उसके इतने सेक्सी बनाए। एक्चुअली इसके कपड़े का रीज़न भी है, जो कि पता चलेगा अभी कुछ देर में हम लोगों को, या फिर बाद में पता चलेगा, बट चलेगा कभी ना कभी। तो नहीं, हम लोग मेडिकल प्लेटफॉर्म में पहुंच गए अपने, उतर जाते हैं और हम लोगों को जाना है विजिट क्वाइट साइड ऑफ्स रेडी है, वहां पर ही जाना है हम लोगों को। अरे यहां पर ही जाना है रे, किधर है भाई, पास में ही तो है, कहां पे है तू, कहां है, एक मिनट मिशन देख लेता है। मिशन लिस्ट नहीं रे, साइड मिशन, साइड मिशन में जाना है हम लोगों को। एक मिनट, ये विजिट क्वाइट जो है मार्कर प्लेस कर लिया हम लोगों ने। साइड मिशन कहाँ पे है, मार्कर तो प्लेस कर लिया, वहाँ पे जाना है हम लोगों को। सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता हूँ ना तो मुझे खांसी आ जाती है। ओके, तो हम लोग को नीचे उतरना है यहाँ से और देखना है। साले धक्का मारेगा तू मेरे को, ले मजा आता है लुक मारने में। एनीवेज, तो हम लोग को पास जाना है इसके ऑसिलॉट के। क्या बोलता है छोटू, क्या देख रहा है बुड्ढे, पक्का क्वाइट को देख रहा है, क्या देख रहा है तू, पागल वागल होंगे इन्होंने। ओए होए, देख रहे हो, तो इतनी सेक्सी बॉडी रहेगी तो कपड़े भी पहनेगी। सही में क्या चीज करती है भाई? She understands English. She okay. speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. नहाएगी अब देखो। बिग बॉस का तो कुछ कुछ हो गया होगा बिल्कुल। थोड़ा जूम करते हैं और बाप रे, नस भी दिख रहा है उसके, नसबंदी हो जाएगा ज़्यादा देर तक ना देखेंगे हम लोग। पानी पी रही है स्किन से, ड्रिंक करती है वो, और बिल्कुल भी सांसें नहीं लेती वो। इशारा कर रही है हमारा पिछवाड़ा देखो। बहुत सेक्सी कैरेक्टर बनाया यार, कुछ भी कहो। मैं 3D मॉडल मॉडलिंग जानता हूँ, मैंने भी बनाए हुए कुछ कैरेक्टर्स, बट इस तरीके का कैरेक्टर। बहुत प्यारी कैरेक्टर बनाया, फोटोसिंथेसिस से वो मतलब पेड़ों की तरह है, बता रहा है कि the only explanation for what we've seen. The crew had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious, but some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? छट्टी भी अजीब सा पहनी है, यहाँ से कुछ सीख रहा है और उसने निकाल दिया। थरकपन थरकपन मेरा, मुझे दिल ले डूबेगा। तो मैंने साइड ऑफ यही था कि क्वाइट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था हम लोगों को कि वो क्या क्या कर सकती है। और एक मिनट, हेलीकॉप्टर बुला लेते हैं तब तक बकवास करने से पहले। तो
उसका जो शरीर है फोटोसिंथेसिस यूज करता है खाना पानी ये सब करने के लिए, और उसको हवा की ज़रूरत नहीं है, बस पानी से ज़िंदा रहती है, पानी और पानी और पानी, और यहाँ पे बहुत सारा पानी ही पानी है। तो एनीवेज हम लोग को नेक्स्ट मिशन में जाना है जहाँ पे हम लोग को वॉकर गियर जो है गुंडों के हाथ पे पड़ गया है, तो उसको निपटाना है हम लोगों को। वॉकर गियर या तो चुरा सकते हैं हम लोग या फिर उसको तबाह कर सकते हैं। टेक ऑफ करते हैं, अभी यहाँ नहीं टेक ऑफ करना है। एनीवेज अपने कंट्रोल बेस में जाके हम लोगों को मिशन सेलेक्ट करना है नया वाला, तो मिशन अभी अवेलेबल नहीं होगा जब तक हम लोग कंट्रोल रूम में नहीं जाएंगे। तब तक के हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेड आवर रिवॉर्ड्स, और क्या करना है। तो अनिस मुझे लग रहा है कि अब शायद से इस वाले मिशन के बाद से हम लोग वो कर पाएंगे। ओ वहाँ पर हीरोइज्म अपना 1000 बढ़ा है डायरेक्ट। Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. अबे साले Quiet के साथ तो मैं कभी गया ही नहीं मिशन में। क्या ये झूठ बोल रहा है? Sniper rifles to change camera to first person view. एक्चुअली मैं क्या नया कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, एक्सबॉक्स वन का कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने अनलॉक कर लिया है क्वाइट को, और हम लोग जा सकते हैं मिशन में क्वाइट को लेके। लेकिन अभी रिस्की होगा क्योंकि उसके पास जो स्नाइपर राइफल है वो ट्रैंक्विलाइजर वाला नहीं है, तो लोचा हो सकता है क्योंकि वो उसने अगर लोगों को मार दिया तो लफड़े हो जाएंगे बहुत। लेकिन लफड़ों से हम लोगों को बचना है, एक्यूप कर लेते हैं और बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। डी हॉर्स की जगह पे क्वाइट को लेते हैं। यस अपने सेक्सी पोज में खड़ी रहेगी वो। विकेट बटरफ्लाई इक्विपमेंट, डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा है इसका। नेकेट क्वाइट ही लेते हैं। और एक चीज़ मुझे देखना था, मेरे ख्याल से इक्विपमेंट बाकी जो अपने प्राइमरी वेपन्स है वो तो बराबर है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको फायर करने ना भूलूँ। बट एनीवेज चलते हैं अपने हम लोग मिशन में जहाँ पे हम लोग को बहुत पंगे लेने हैं। डी वॉकर डिस्ट्रॉय करना है हम लोगों को, मेरे ख्याल से वही वाला मिशन है ये जहाँ तक मुझे याद है। और देखेंगे अच्छे अच्छे कोई सैनिक होंगे या फिर कोई वो रहेंगे तो उन लोग को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फुल डॉन से। दोस्तों आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ना बहुत काबिले तारीफ है। पिछले महीने में मेरे ख्याल से 185 में था और इस महीने डायरेक्ट 50 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस में जो कि अच्छा है, मुझे प्रेरणा देता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो ऐसी कमेंट्स करते रहना। लाइक्स के मामले में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं लोग, लेकिन ठीक है सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। बट हो सकता है लाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिख रहा है भाई? This just might get us closer to the Walker Gear supplier, Cypher. Good luck, boss. क्या बनाया भाई, कुछ भी कहो आप, क्वाइट को बहुत ही फुर्सत से बनाया। बाप रे 200, अरे यार घोड़ा ही लेके आ जाओ चेहरा, बहुत दूर हम लोग उतर रहे हैं। बट इतनी तेज दौड़ता है ना ये, और वो क्वाइट भी बाप रे सही में बहुत तेज दौड़ती है। खेत खलियान में उतरते हैं और चलते हैं। तो अभी सीन ऐसा है ना कि हम लोगों ने बड़ी सपोर्ट में जाके एक मिनट क्वाइट को क्या बोल सकते हैं, एक मिनट क्वाइट को कहीं से तो हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं। साइड ऑफ कॉम्बैट डिपार्टमेंट,
बॉडी सपोर्ट स्काउट, हाँ स्काउट करने बोल सकते हैं हम लोग। कैसे यहाँ पर भेजना चाहिए, वो कुछ बोलेगी नहीं लेकिन वो जाके स्काउट कर लेंगे। मेरे ख्याल से मैंने गलत जगह पे भेजा उसको, बट एनीवेज ठीक है। स्नाइपर राइफल रख देते हैं हम लोग, काम आएगा। उसको भेज देते कहीं और, वो जा रही है अभी, देख रहे हो कितना पास जाती है वो बन, वो है वो देख रहे हो बहुत ही तेज है वो। एनीवे हम लोग अपने मिशन चलते हैं, उसको स्काउट करने देते हैं। अबे क्या कर रहे हो, चल के चल हम लोग को जाना है। ओके तो अभी मैप में देख लेते हैं, दो बंदे आ रहे हैं, ये लोग हाई लेवल सोल्जर होंगे तो उनको पहले देख लिया जाए। मैं सही जा रहा हूँ, यहाँ पर है वो लोग, यहाँ पर दिख रहे हैं। मेरे को डायरेक्ट मिशन में जाना चाहिए लेकिन मैं थोड़े अच्छे सोल्जर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। क्या बुरी बात है अगर अच्छे सोल्जर्स मिल गए हम लोगों को फ्री में, वैसे भी काफ़ी यहाँ होने चाहिए। ये रहो एक बंदा, Analysis complete. बी वाला है, एक ही बंदा है, होता है ये चीज नहीं भी है ना, अगर पता हो सामने देख रहे हो आप। Analysis complete. एक और है, ये भी बी वाला है। मेरे ख्याल से हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर बाद में अगर मन किया तो शायद हम लोग कर सकते हैं। और एक काम कर देते हैं, बड़ी सपोर्ट में जाकर उसको बोलते हैं स्काउट करने के लिए। मेरे ख्याल से हम लोग को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे पहुँचना है, नहीं ऑलरेडी स्काउट कर रही है वहीं पे, शायद हम लोगों ने सही जगह पे भेजा है उसको। चल मेरे घोड़ा है, टिक टिक। ओ भाई साहब पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, अच्छा किया उसको स्काउट करने बोल दिया, अभी अटैक करने नहीं बोलेंगे। एक मिनट है, तब तक कि मैं ना डिप्लॉयमेंट में बड़ी इक्विपमेंट पर जाकर इसके लिए अगर कुछ है अपने पास स्टैंडिंग विद स्नाइपिंग फाउंड। मुझे चाहिए क्वाइट के लिए, ऑलरेडी इक्विप किया। ओ इसके लिए हम लोग को चाहिए बॉन्ड लेवल 20 चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, बॉन्ड लेवल 60 चाहिए। 20 तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस मिशन के बाद, अगर वो मरी नहीं थी तो हम लोग अराइव। थोड़ा स्टाइल सेव करते हैं, ये बंदा है उसने निशाने पे ही रखा हुआ है। एक प्रिजनर भी है, उसको भी बचा सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो। पहले देख लेते हैं यहाँ कि यहाँ बड़ा मस्त वाले सोल्जर्स है कि नहीं। ये भी नीचे की तरफ है, ये बंदा दिख रहा है यहाँ पर कोई। सब बी वाले, बी रैंक के ही सोल्जर मिल रहे हैं, सारे बी ग्रेड लोग। ओ ये तो चाहिए भाई मेरे को। इसके आसपास कोई नहीं है तो पहले ना इसको ही निपटाया जाए। मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैं उसको निशाना ले सकता हूँ क्या। यस बहुत काफी दूर है बट हम लोग तो, ओ शिट शिट शिट, सप्रेसर नहीं अपने इसमें, मैं भूल गया था। चलते हैं चुपचाप,
ये लोग भी है तगड़े वाले बंदे। एनालिसिस कंप्लीट, एक का कंप्लीट हो गया, दूसरे का भी कंप्लीट। नहीं ये तगड़े नहीं है साले, रगड़े हुए बंदे है। तो हम लोगों को सप्रेसर जो है, मतलब अपनी जो गन है बिना सप्रेसर के फायर नहीं करनी चाहिए। वो लोग भाग गए साले। अच्छा चुपचाप चलते, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करिए। इसने क्या देख लिया? ओ शिट, उसने उसको देख लिया। एक मिनट जाके वो उसको जगा मत भाई प्लीज छोटू। अरे अब इधर आएंगे लोग। चलो बढ़िया, एनीवेज इनको कोई इधर आने जो, एक हाथ तो इसमें से गिरेगा जिससे हम लोग को फायदा हो सकता है। लेकिन ये वाला जो बंदा है यहाँ, टीवन वाला बंदा, अभी ये लोग मर क्यों नहीं रहे? इनको निपटाना पड़ेगा चुपचाप। ओए नहीं नहीं हिल नहीं, ये तो बच गए मेरे ख्याल से। आसपास कोई नहीं है तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। क्या है भाई तेरा लेवल? ये है, चल बढ़िया है। तो एनीवेज दोनों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा भाग जाते हैं ताकि इन लोगों को पता मत चले। यस पता नहीं चला। एनीवेज हम लोग को जाना है, अटैक करवा सकते हैं हम लोग। अबे क्या कर रहे तू तो इतना उछल किस लिया रहा है? एक ऊपर वाला एक बंदा है, उसको शायद वो स्नाइपर है तो उसको पहले निपटाया जाए। एक मिनट। ओ वॉकर गियर भी है यहाँ पर। जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है थोड़ा हम लोग टुपुक कर लेंगे ताकि थोड़ी देर में बेहोश हो जाए। हेडशॉट नहीं पड़ा लेकिन फिर भी से। ओए ओए ओए, वो प्रिजनर को भी बचाना है मुझे, क्योंकि प्रिजनर्स जो होते हैं उनके जो स्टैट्स होते हैं बहुत काफ़ी अच्छे होते हैं। चलो बेहोश हो, एक बंदा और है। चल रहे बेहोश हो। अबे कितना टाइम लगाएगा तू? सप्रेसर भी अपनी लगी पड़ी सप्रेसर की। एक बंदा, ओ शिट 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 शिट, यहाँ पे एक बंदा और है। ये कहाँ से आ गया? बेहोश क्यों नहीं हो रहा है वो? गया अपन। कमॉन। ओके हेलमेट पहना है साले ने। ओहो मुझे, ओहो क्या बच रहे हैं अपन। बहुत होशियारी मत पार। ओए ओए ओए, हेडशॉट दे दे। चल थैंक्स। सप्रेसर की लगी पड़ी है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा अभी, और मेरे ख्याल से आसपास ज़्यादा लोग नहीं है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक बिल्ली की आवाज़ भी आ रही कहाँ से। फुल टर्न बचा के रखना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे से बिल्ली की आवाज़ आ रही है। बिल्ली की आवाज़ कहाँ से आ रही? तो ये जो दो वॉकर गियर है उसको हम लोग निपटा सकते हैं, बट मेरे पास अभी मेरे ख्याल से दो गोली चलाने लायक। कहाँ है यार बिल्ली? एक बंदे, ये वाले बंदे को निपटाना पड़ेगा हम लोगों को। चुपचाप चलते हैं। अरे साले इसने वो भी पकड़ा हुआ है, इसको चुपचाप पीछे से जाके ना दबोच देते हैं साले का।
एनीवेज इसको बेहोश करते हैं फटाक से, फिर उस वाले के पास जाएंगे। वाला बंदा इधर से मत आ जाए बस। यस, उसने निशाना लगा के रखा हुआ है, अगर वो फायर करने की कोशिश करेगा तो वाइट उसको निपटा देगी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर फायर किया उसने तो सारे लोगों को पता चल जाएगा। ओ बाप रे, बच गए। मैंने स्पीड आउट कर दिया उसको और उसको वो कर देते हैं। और ये जो अंदर वो बच रहा है टेप, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग के इस वीडियो में कम में वो आ जाएगा। कंटेंट क्लेम, कहाँ है भाई तू, कहाँ है तू? एनीवेज कहाँ पे बज रहे थे, कहाँ पे बज रहे थे? बदतमीज आदमी, ओए कूदा मत किया यार फोकट। एनीवेज एक को स्टन किया हुआ है, उसको भी हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं लेवल क्या है इसका। पी है और एक बंदा स्टन किया था ना हम लोगों ने, स्टनधारी किया था उसको। एनीवेज तो मेरे ख्याल से अगर देखें हम लोग मैप में तो अपना जो कोस्ट है वो क्लियर है और हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अभी वॉकर गियर्स को। पहला चीज़ जो है प्रिजनर को भी एक्सट्रैक्ट करना हम लोगों को, तो उठा लेते पहले इसको। और एक डायमंड जैसा कुछ दिखा मुझे, इसका जो लेवल है वो भाई काफ़ी अच्छा है ये लेवल इसका। एनीवेज ये स्टन किया हुआ है उन लोग को, पहले मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये लोग कभी भी उठ सकते हैं। 18 है फुल टॉन हमारे पास, तो हम लोग उसको निपटा सकते हैं आसानी से। और ये चुबंदा बस किसी कोई देख मत ले, कोई देखेगा अभी तो हम लोगों को छुपना पड़ेगा। एनीवेज ये अपना एक और टारगेट है, दो तीन वॉकर गियर्स हो जाएंगे। और यार गिर जाएगा ये तो, नहीं उठा पाएगा। शिट, ओए होए, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हम लोगों को। शिट, C4 कितने हैं मेरे पास, C4 कितने हैं, हाउ मेनी C4 डू आई हैव? 4 है। एनीवेज सब पे लगा देते हैं फटाफट। एक मिनट, इस पे लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, दो हो गया। और एक लास्ट वाला जो है यहाँ, दोनों उस पे लगा देते हैं। एक्सेक्ट 4 है अपने पास, तो इस पे भी लगा देते। ओके, एक लेके भागे क्या, नहीं कर सकते, से उठा लेते हैं इसको। एक्सेक्ट उसके ऊपर लगाते हैं ताकि रिस्क ना हो कि फूटेगा नहीं क्या जो भी है। और इससे पहले कि इसको फोड़ें हम लोग, पहले हम लोग को वो प्रिजनर जो है उसको बचाना है, जो कि अपना एक और ऑब्जेक्टिव है। और साले ने देख लिया, पड़ी थी उसको, इसने देख लिया हम लोग को। चुपचाप चलते हैं पीछे की तरफ से, उसको निपटा देंगे बाद में। लेकिन मुझे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस वाले प्रिजनर को बचाना है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसके आसपास 4-5 लोग हैं। मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है? चुपचाप ही चलते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे कि उसको पता भी ना चले और मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ। हाँ, आ रहा हूँ। अबे कूद। कभी कभी बॉस भी ना सठी आ जाता है। एनीवेज ये सब ले लेते हैं माल मोहब्बत। और ये बंदा जो है देख सकता है हम लोगों को, तो हम लोग थोड़ा बचते हुए जाना पड़ेगा। एक बंदा यहाँ पे सो गया,
तो मेरी खैर ओए 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 बच गया थे साले ये लोग थोड़ा भागा जाए ज़्यादा स्पीड भाग नहीं सकते हम लोग इसको लेके लेकिन फिर भी चलो अच्छा रेन आ गया और इस बंदे को यहाँ रखते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते पहले देख लेते इसके स्टैट्स क्या है पक्का ये वाला है यार ए प्लस मिला भाई प्लस है भाई ओ इसका क्या है भाई तेरा क्या सीन है खुश हुआ था चल बी वाला है वो भी आरएनडी टीम वाला तो अच्छा है मैं कोशिश करूँगा फटाफट जाके इन लोगों को निपटाने के लिए पहले तो ये दो जो हैं उनको इसको पहले निपटा लेते हैं रेन बारिश होने वाली है पहले इसको देखना पड़ेगा छोटू को इसको देखते हैं हेडशॉट ले पाते हैं क्या पर ओ शिट हेलमेट वा चल अच्छा और मेरी वो टूट गई ओए ओए शिट इसको धीरे से निपटाना पड़ेगा चुपचाप निपटाना पड़ेगा इसको जाकर छोटू नहीं एनीवेज प्रिजनर का लोकेशन बताया हीरोइज्म बढ़ा है हम लोगों का अब मेरे ख्याल से आसपास कोई नहीं है तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेरे पास 14 फुल टॉन्स और है तो मैं 14 के 14 लोगों को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी रिस्की होगा क्योंकि वो सामने एक बंदा खड़ा है वॉकर गियर्स तो वो कर लिया हम लोगों ने बस फोड़ना बाकी है ये वाला बंदा जो है अब मेरा थोड़ा कंट्रोलर पे हाथ बैठ रहा है ओ शिट दो सामने है लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसको निपटाना पड़ेगा ब्लूप्रिंट्स भी है यहाँ पर ब्लूप्रिंट्स भी ले लेंगे हम लोग इनका क्या हाल है भाई बी वाले अच्छा ये तो वही बंदा है बी वाले इतना मज़ा नहीं आता है बी वाले ये तो डी वाला भाई ओ शिट 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 नहीं मैं गया गया नहीं मतलब उसने उड़ा दिया क्वाइट ने उड़ा दिया शिट नहीं मानना था रे क्वाइट उसको नहीं मानना था देखते हैं ये लोग अलर्ट मोड में चले गए हैं तो हम लोगों को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी इसको 90% चांस है उठाने का तो उठा लेते हैं इसको मेरे ख्याल से हम लोग को और सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है बट पी वाला एक बंदा देखते हैं थोड़ा अगर दूर से हम लोग गोली चलाएंगे और अभी तो बारिश भी हो रही है तो शायद से अपने को फ़ायदा होगा एक हो गया और एक ये भी आ रहा है क्या उसको हम लोग निपटा सकते हैं एनीवेज देखते हैं ये दोनों को बस ले लेते हैं फिर शायद अपना हो जाएगा ओए नहीं कम ऑन अच्छा यस ये तो निपट गया इसको फटाक से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 90% चांस है क्योंकि बारिश हो रही है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक्सट्रैक्ट हो जाए हो गया शायद ये बंदा अभी काम का नहीं है इतना बट बी रैंक है इसका तो बी रैंक वाले को हम लोग वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से अभी बी से ही काम चलाना पड़ेगा जब तक ये प्रॉपर ए वो नहीं मिलता और देख लेते हैं कि अगर कोई
कोई बंदा है क्या? मेरे ख्याल सारे निपट गए क्या? कहाँ गए सारे सोल्जर्स? क्वाइट ने निपटा दिया क्या सबको? भाई साहब बचाऊ, जस्ट बचाऊ। चलो अच्छा है, तू सी वाला है फिर भी ले लेते। और मेरे ख्याल से एक बंदा है जो बहुत भाग गया एकदम से। कहाँ है भाई तू? लेफ्ट, ये भी खा तू। साले तुम लोग कैसे देख रहे हो मुझे? अलर्ट मोड में चले गया था। ये बंदा दिखा क्यों नहीं मुझे? चलो अच्छा, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन के काम आएगा ये बंदा। और ओ शिट, कितने लोग को अलर्ट मोड में भेजेगा भाई तू? ले भाई तू ये खा। सही लगता है ना कि टाइम देता है, काफ़ी टाइम देता है हम लोगों को वो करने के लिए, मारने के लिए। अच्छा है ये लोग जल्दी जल्दी वो निपट जाएंगे। अच्छा वो एक एक करके देख रहे हैं। एनीवेज अभी मुझे देखना है कि मेरे पास, एक मिनट, ब्लूप्रिंट कहाँ पे है? टारगेट्स तो हो गए अपने। यहाँ पर एक बंदा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। डंपस्टर है यहाँ पर, इंटेल रेडियो है, एंटी एयर है। अबे ब्लूप्रिंट कित है? कॉलिंग ऑफ द सर्च बोल रहा है। ब्लूप्रिंट कहाँ पे है? कौन है कैंपेंट है? मेरे ख्याल से ब्लूप्रिंट जो है यहीं कहीं है क्या? वह यहाँ कहीं है क्या ब्लूप्रिंट? ना, मेरे ख्याल से ले लिया हम लोगों ने ब्लूप्रिंट जो है। ये तू कहाँ जा रही है? तू कहाँ जा रहा है बेटा? रुक जा, ओए ओए रुक जा। कंट्रोलर से खेलने का यही नुकसान है। अबे ओए जा। एनीवेज मेरे ख्याल से अभी जितने लेने थे हम लोगों ने ले लिया। अब सिर्फ पारी है हम लोगों को। ओ शिट, एक बंदा आ रहा है, 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 एक बंदा, एक बचा ही हुआ है। कहाँ छुपा था छोटू तू? ओहो, ड्रैग शॉट, सो हॉट। क्या है भाई तेरा स्टैट? चलो अच्छा भी वाला। फाइनली अब हम लोग अपने इसको अंजाम दे सकते हैं। हीरा था लेकिन मुझे हीरे की लालच नहीं है। ये रखते हैं और मेरे ख्याल से, एक मिनट, कहाँ गया रे तू? C4 डेटोनेटर बाय प्रेसिंग द रेडी बटन, LT एंड एक्शन बटन Y, LT और Y। एक और चीज़ मुझे, ये एंटीना जो है ये उड़ाना पड़ेगा। यस, और हम लोग को अभी भागना है यहाँ से। मिशन कंप्लीट हो गया तो इस हेलीकॉप्टर बुलाते पिकअप पॉइंट जो है आसपास है क्या? लैंडिंग जोन और रिपब्लिक, इतनी दूर जाना पड़ेगा हम लोग। रॉजर करना पड़ेगा इस हिसाब से। प्राइमरी वेपन एमओ, सप्रेसर वाला यार वो एक, इसको अगर अच्छे से अपग्रेड करोगे तो फाइनल अपग्रेड जो देता है उसमें एक वो देगा हम लोगों को, जैसे WU पिस्टल को हम लोग अनलिमिटेड सप्रेसर पर वाला बना सकते हैं। लेकिन वो बहुत बात की बात है, हम लोगों को एटलीस्ट R&D लेवल 45 या 50 चाहिए उसके लिए।
जो कि बहुत ही लोचे वाला काम है. बट एनीवेज हम लोग चॉपर से बाहर निकल कर वो करेंगे. क्योंकि अपने लिए बेटर होगा. आचार्य क्वाइट ओके. क्वाइट कहाँ है ये उठा लेते. अबे मैं हमेशा ना साला एक्सप्रेस कर देता हूँ बी की जगह पे. डार्क जोन की आदत पड़ गई. डार्क जोन बोलता हूँ डिविजन के. आजा क्वाइट. ये बड़े स्टाइल से चढ़ती है देख रहे हो. सुभान अल्लाह हो गया. सेलिंग पॉइंट है भाई इस गेम का ये क्वाइट देख रहे हो. ये देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सेलिंग पॉइंट है. डूब जाओ. डूब इन द बूब. बहुत ही ज़्यादा ठरकी होते जा रहा हूँ आजकल मैं. एक्सट्रैक्शन अराइव्ड एट मदर बेस. Mission complete, boss. Maybe you'll actually break a sweat next time, huh? Whew, finally A rank mila hum logo ko. Thodi bahut alert ka locha ho gaya tha. Aur hum logo deployment cost aur support cost ke karan hum logo ka wo ho gaya. Heroism bhi kafi badha hai. 1200 heroism points mile hain jo ki kafi acha hai. अब वही एज यूजुअल मिलर बकवास करेगा कि अरे ये है वो है वॉकर गियर है ऐसा वैसा दुनिया भर का. बॉस वी वर राइट वंस यू एलिमिनेटेड दोस वॉकर गियर्स अ रीसप्लाई कॉल वाज मेड फ्रॉम डिटारी टू सीएफए हेडक्वार्टर्स द सीएफए देन कांटेक्टेड नन अदर देन सिंगर दैट्स राइट द शेल कंपनी दैट ओन्ड मफिंडा ऑयल फील्ड सो सिंगर वाज जस्ट अ फ्रंट फॉर साइफर द रीसप्लाई वोंट बी हैपनिंग जस्ट येट. But we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently, there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. Mm-hmm. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Cypher jo hai zero ka wo hai. ग्रुप है ज़ीरो. अगर आपने मेटल गियर सॉलिड नहीं खेला है तो फिर खेलिए मेटल गियर सॉलिड और मेटल गियर सॉलिड 4. इसमें सब बताया गया है कि दो लोग दो बंदे थे ज़ीरो और ये बॉस और दोनों ने मिलके ग्रुप्स बनाए अलग अलग. पहले साथ में काम करते थे फिर कुछ डिफरेंसेस के कारण वो लोगों ने ग्रुप्स बना लिए वो सब. वो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली भी मिल गया हम लोगों को. काफ़ी चीज़ें हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं. तो एनीवेज ग्रुप बनाया दोनों को. ये पूरी कहानी जो है ये दो बंदे के ऊपर ही है बॉस और ज़ीरो. एनीवेज वो खेलिए बहुत सही गेम है. 4 में तो काफ़ी कुछ बताया सारी चीज़ें रिवील कर दिया. 5 में थोड़ा ये बीच का जो स्टोरी है वो भरने के लिए वो दिया हुआ है. तो एनीवेज दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं. Crosses the Savannah. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. So, anyways, next mission के बारे में बकवास किया उसने. But ये देखो भाई ये अलग ही चीज़ है भाई ये. क्या हो रही है फटे-फटे कपड़े, ये गोल-गोल आँखें. तो एनीवेज दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए. अगर आपको पसंद आया तो लाइक छोड़ सकते हैं. लाइक करने में कोई बुराई नहीं है. कोई आपको पकड़ के नहीं मारेगा अगर इस बंद मेरे को लाइक कर रहे हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो तो. और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस फॉलो करो आपको नोटिफिकेशन आए तो आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबा सकते हो सब्सक्राइब का जिससे मुझे भी हेल्प होगी और आप लोगों को भी आसानी होगी मेरे वीडियोज़ को फॉलो करने के लिए. एनीवेज और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो को शेयर कर सकते हो. एनीवेज दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. धन्यवाद.